यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से अब परमाणु युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। नाटो के एक पूर्व प्रमुख ने कहा है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। यूरोप के पूर्व नाटो उप सर्वोच्च सहयोगी कमांडर जनरल सर एड्रिन ब्रैडशॉ ने कहा है कि अगर रूस के सैनिक नाटो क्षेत्रों में कदम रखते हैं तो इसके सदस्य रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर देंगे। दरअसल यूक्रेन के पूर्व में नाटो सदस्य देश मौजूद हैं। ऐसे में अगर गलती से इन मुल्कों पर हमला हुआ तो स्थिति भयावह हो सकती है। यूक्रेन पर पूरी तरह से युद्ध करने की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की घोषणा के बाद आज गुड मॉर्निंग ब्रिटेन पर बोलते हुए जनरल सर एड्रिन ने चेतावनी दी कि यदि रूसी सैनिक नाटो क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। दरअसल यूक्रेन के आसपास एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देश मौजूद हैं, जो नाटो के सदस्य हैं। जनरल ब्रैडशॉ ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, इसकी वजह से परमाणु युद्ध हो सकता है, हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि परमाणु हथियार किसी भी हालत में हमेशा खतरा होते हैं। हालांकि सर जनरल ब्रैडशॉ ने कहा कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन पर हमले के संदर्भ में परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने की संभावना है। परमाणु हथियारों का खतरा तब पैदा होता है अगर रूस की टक्कर नाटो सदस्य देशों से होती है और हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि रूस का सिद्धांत हालात को चरम अवस्था तक ले जाने का है। वह हालात को उस हद तक ले जाता है जहां हम जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे में बड़ा खतरा पैदा होता है, हमें उस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा नहीं होने देना होगा। आपको बता दें कि रूस ने आज सुबह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 1,00,000 टैंकों को यूक्रेन की ओर भेज दिया। वहीं रूस के हमले के बाद यूक्रेन में लोगों ने आनन फानन में सुरक्षित स्थानों की ओर जाना शुरू कर दिया। देश भर के एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हताश नागरिक अपने पालतू जानवरों और सामानों को कारों में भरकर देश से बाहर जा रहे हैं। कीव में गाड़ियों की लंबी कतारों को देखा गया है। इसके अलावा खार्किव क्षेत्र में मौजूद एक एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, वहां धुआं उठते भी देखा गया है। राजधानी कीव में जोरदार धमाकों को भी सुना गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के हमले के ऐलान के बाद यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत हुई। रूसी सैनिकों ने इसके बाद यूक्रेन की ओर बढ़ना शुरू किया। यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड ने कहा है कि रूस के जमीनी सेनाओं ने कई दिशाओं से यूक्रेन पर हमला किया है। रूसी टैंक और अन्य भारी उपकरण कई उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिण में क्रीमिया से यूक्रेन में घुस आए, जिसके बाद दोनों पक्ष के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।